सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए नॉलेजफुल वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो है आधार कार्ड का इस्तेमाल काफ़ी अधिक किया जा रहा है। जैसे कि आपको किसी भी बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर सिम लेना हो, यूँ कहें तो आपको पैसे की निकासी भी करना है, तो आप जो है आधार कार्ड की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि जो है आप आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं और उसके लिए आईडी कैसे मिलेगा, मैं जो हूँ इस पर वीडियो बना दिया हूँ। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है ऊपर आई बटन में दे दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा ए टू जेड प्रोसेस बताया है। यदि आप यह वीडियो देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आपके आधार कार्ड में क्या क्या अपडेट हुआ है उसको बहुत ही आसानी से घर बैठे ही जान सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे आना है और वहाँ पर आपको गूगल को ओपन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में UIDAI लिखकर सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने जो है ये पहला वेबसाइट खुलकर आएगा। आपको क्या करना है, सिंपल है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके सीधे जो है इस वाले पेज पे चले आएंगे। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बगल में 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे बगल में 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपल है इस वाले डॉट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस वाले डॉट पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो है यहाँ पे फर्स्ट में यम आधार में यहाँ पे नीचे में डाउन एरो करके एक ऑप्शन दिखेगा। आपको इस डाउन एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो है ढेर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको इन सभी ऑप्शंस में से आधार सर्विस जो ऊपर से तीसरा नंबर है यानी कि थर्ड ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो है इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। यदि आप जो है मोबाइल फ़ोन पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, ऊपर में देखेंगे तो आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा। इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जो है आपको डेस्कटॉप साइट जो होता है इसको ऑन कर लें। डेस्कटॉप साइट को ऑन करने से यह होगा कि यह पेज जो है जिस तरह से लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में ओपन होता है, ठीक वैसे ही आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। तो आपको काफ़ी अच्छे से दिखे, मैं इसके लिए जूम कर देता हूँ। अब आपको सिंपल है नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, नीचे की ओर आपको आना है और यहाँ पे आपको इसमें जो है ऑथोराइजेशन हिस्ट्री, जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें ऑथोराइजेशन हिस्ट्री को इसमें खोजना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑथोराइजेशन हिस्ट्री है यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपल है आपको इसमें नीचे की ओर देखेंगे तो व्यू अप टू 50 प्रीवियस ऑथोराइजेशन आधार, यानी कि आधार कार्ड में आपने 50 बार जो है अपडेट मतलब कराए होंगे इससे पहले, तो यानी कि कुल मिला जुला कर कहें तो यह डेटा जो है आपका आधार कार्ड का 50 ही मतलब 50 ही रखेगा। तो आपको सिंपल ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये जो आधार कार्ड है ये सभी हिंदी में कन्वर्ट हो गए हैं, ये हिंदी में सभी चले आए हैं। आप में यह हो सकता है इंग्लिश में हो, तो आप इसको हिंदी में कैसे करते हैं मतलब हिंदी में कैसे किया जाएगा, यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो सिंपल ही आपको मैं इंग्लिश में ही कर देता हूं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर है, जूम कर देता हूँ। फर्स्ट में आपका आधार नंबर है, सेकेंड में वर्चुअल आईडी यानी कि VID। आप इन दोनों के माध्यम से जो है आपके आधार कार्ड में कब कब क्या क्या बदलाव किए गए हैं आप उसको बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करना है। और यहाँ पर नीचे आप जो कैप्चा देख रहे हैं, आपको इस कैप्चा को इसमें फिल कर देना है और सिंपल ही आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। और या इंटर TOTP करेंगे तो देखिए OTP जो होगा इसमें लगभग 6 डिजिट का कोड आएगा आपके मोबाइल फ़ोन में, यदि आप TOTP करेंगे तो इसमें 8 डिजिट का कोड आएगा। तो जैसे ही कीजिएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में जो है OTP सेंड किया जाएगा। आपको करना क्या है, उस OTP को यहाँ पर नीचे की ओर आना है और यहाँ पर अब आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका OTP आएगा तो आपको यहाँ पे ऑथोराइजेशन टाइप में आप क्या मतलब देखना चाहते हैं, यहाँ पे
डेमोग्राफिक है, बायोमेट्रिक है, ओटीपी है, डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक है। आप इसमें से मैंने क्या चीज़ का अपडेट देखना चाहते हैं, आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं सभी को देखना चाहता हूँ, सिंपली मैं सभी पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट और एंड डेट किस समय से लेकर मतलब कब से आप इसको देखना चाहते हैं, आपको यहाँ पे डेट जो है अपना फिल कर देना है। डेट फिल करने के बाद से जो है यहाँ पे रिकॉर्ड है और उसके बाद से जो है आपको यहाँ पे जो ओटीपी आया है, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि 6 डिजिट का ओटीपी और 8 डिजिट का टीओटीपी आपको इसमें भरना है और आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आप जो है यहाँ पे सभी डिटेल्स जो है आप नीचे की ओर स्क्रॉल करके आप जो है सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे एल टाइप डिटेल है तो ये सभी डिटेल जो है आपको हाइड होंगे या दिखाई नहीं देंगे। तो ये सभी डिटेल्स जो है आपके इसी तरह आपको प्रोसेस मतलब आपका भी है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जो है मेरे डिटेल कब कब मैंने ओटीपी से अपना मतलब आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है और कब कब ये जो है मैंने बायोमेट्रिक डिवाइस से आधार कार्ड से पैसे निकाले हैं या फिर कोई भी काम किया है। सो आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी पता चले कि उनके आधार कार्ड में कब कब अपडेट हुआ है और उसको वह कैसे जो है बहुत ही आसानी से घर बैठे जान सकते हैं। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो जो है आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो हूँ इस चैनल पर आपके लिए हमेशा बैंकिंग, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड जो है रोज़ जो है नई नई वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।